चार दिन लिस्ट का जिस रिस्पॉन्स ट्रेलर का रिस्पॉन्स है और आप लोगों का ट्रेलर आपको दे रहे हैं, आप क्या कुछ कहना चाहेंगी जो रिस्पॉन्स मिल रहा है व्यूअर्स से, आपके फैंस से? ये हमारी खुशकिस्मती की बात है कि लोगों को ट्रेलर बहुत अच्छा लगा और बहुत सारे लोगों ने जिसको उसको देखा है कि कहा है कि ये ट्रेलर ज़रूर आपने क्यूरियोसिटी पैदा करता है कि फिल्म देखनी चाहिए, तो ये अच्छा फर्स्ट कदम है। क्या मतलब क्या आपको खास लगा इस स्टोरी में जो आपने हाँ कही थी कि हाँ ये फिल्म मुझे करनी ही है, यू नो? और अक्सर आप ऐसे किरदार करती हैं जो आपको पसंद आता है, मुझे बिल्कुल छू हमने देखा है। दरअसल मैंने जो कहानी पढ़ी और जब स्क्रिप्ट पढ़ी तो स्क्रिप्ट तो मुझे अच्छी लगी थी, लेकिन मुझे लगा कि ये जो लोग इसके साथ इन्वॉल्व हैं, मैं इनको नहीं जानती हूँ, मैं डायरेक्टर को नहीं जानती थी, मैं प्रोड्यूसर को नहीं जानती थी, तो मैं थोड़ी सी हिचकिचा रही थी। फिर उन्होंने मेरे भाई बाबा आज़मी को कैमरामैन लिया, तो बाबा मुझे जिस तरह से फ़ोटोग्राफ करता है मैं हमेशा उसमें मुझे बहुत इत्मीनान होता है, तो मुझे लगा कि चलिए दिस इज़ वन पॉजिटिव साइन। मगर एक्चुअली डिसाइडिंग फैक्टर जूही चावला जी, क्योंकि उनको कहानी बहुत अच्छी लगी थी और वो पर्सनली मेरे घर आई और उसका नरेशन करवाया, और जब मैंने देखा कि उनके दिल में कितनी उत्साह है इस फिल्म के लिए, तो मुझे लगा ये फिल्म के लिए अच्छी बात है। कैसा रहा माहौल, मतलब जब जूही जी थी, आप भी थी, दिव्या दत्ता मैम थी, सब साथ में ही थे, तो किस तरह का माहौल रहा सेट पे यार? तो एक्सपीरियंस रहा, देखिए जरीना से मेरी दोस्ती है, दिव्या ने मेरी बेटी का रोल किया है उमराव जान में, जूही से पहली बार मुलाकात हुई थी, लेकिन क्योंकि बहुत सारे सीन्स ऐसे टीचर्स के साथ थे और हमने एक्चुअल स्कूल में शूटिंग की थी, तो बहुत खुशगवार, बहुत अच्छा था माहौल। मैम बहुत छोटा सवाल होगा, लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि आपने इस किरदार के लिए कैसे अपने आपको प्रिपेयर किया है, अपने टीचर का किरदार निभा रही हैं, तो हाउ यू प्रिपेयर योरसेल्फ? मेरी भाभी सुलभा आर्या एक बहुत अच्छी अदाकारा हैं जो कि फिल्म, टेलीविज़न और थिएटर में काम कर चुकी है, और उन्होंने सारी ज़िंदगी पढ़ाया है, तो मैं बचपन से उनको देखती चली आ रही हूँ कि किस तरह से वो अपने पेपर्स करेक्ट करती हैं, किस तरह से अपना होमवर्क प्लान करती हैं एक्सेट्रा, तो मैंने जो है अपना पूरा कैरेक्टर उनके ऊपर बेस किया है, तो जिस तरह के मैंने कपड़े पहने, जिस तरह के मैंने जेवर पहने, बाल बनाए, वो सब सुलभा की तरह ही है। बहुत नया बन रहा है आपको, और बात करें बाकी सब जो एक्टर इसमें काम कर रहे हैं उनके साथ किस तरह से रहा, और कोई ऐसा एक्टर है जूही के अलावा, जूही जी के अलावा जिसने आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया, न्यू एक्टर से बात करें? नहीं, ऋचा चड्ढा ने एक स्पेशल अपीयरेंस किया फिल्म में और बहुत बेहतरीन काम किया, मुझे यकीन है कि उनके काम को बहुत पसंद किया जाएगा। दिव्या दत्ता ने एक बिल्कुल अलहदा किस्म का रोल किया है जो उन्होंने बखूबी निभाया है, एक मुझे इस बात से खुशी हुई कि गिरीश कर्नाड के साथ बहुत कई सालों के बाद मैंने दोबारा उनकी बीवी का रोल प्ले किया है, और ऋषि कपूर भी एक गेस्ट अपीयरेंस में। कैसा रहा उनके साथ? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सालों के बाद आप? हाँ, मगर ऋषि बहुत ही एक जोवियल किस्म के इंसान है और उनसे हमेशा मेरा बहुत अच्छा रिलेशनशिप रहा है, क्योंकि उनके जो ग्रैंडफादर हैं पृथ्वीराज कपूर और मेरी मम्मी एक साथ पृथ्वी थिएटर में काम करती थी, राजजी से मेरी अच्छी पहचान थी, तो हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, तो मैंने उनको फ़ोन किया और कहा कि मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ, तो वो फ़ौरन मेरे घर पे आ गए और उन्होंने बोला बोलो, तो मैंने कहा ये, कहने इतनी छोटी सी बात तो मुझे फ़ोन पे कह देती, मुझे लगा कि पता नहीं क्या बहुत संजीदा बात कुछ होगी, तो बहुत ग्रेस और बहुत लगाव के साथ उन्होंने काम किया। आई एम रियली ग्रेटफुल, इज डन एज अ बिग फेवर, क्योंकि आप यू नो मोस्ट एक्सपीरियंस एक्टर सेट पे भी और जूही जी भी थी, बाकी जो थे तो आपसे सीखने की कोशिश करते थे, और आप उनसे क्या कुछ सीखती थी? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि एक्टिंग जो है ना वो रिएक्टिंग है, तो आप सिर्फ अपने आप से मतलब नहीं रख सकते, क्योंकि आपको देखना पड़ता है बाकी के लोग क्या कर रहे हैं, और ख़ासतौर से जब सबके सब काफ़ी सारी एक्चुअल टीचर्स भी थी उसमें, तो हम सब लोगों ने एक दूसरे से सीखा और सब में एक दोस्ती और कॉर्डियलिटी की फ्रेंडशिप रही। मैम मैं एक चीज़ हमेशा आपसे जानना चाहता था, आपने इतनी सारी अच्छी अच्छी फिल्में की है, 5 नेशनल अवार्ड्स भी मिल चुके, कोई सी एक फिल्म है जो आपके उनके हमेशा करीब रहे हैं? नहीं, काफ़ी सारी काफ़ी सारी फिल्में हैं जिसमें मैं समझती हूँ कि अर्थ, महेश भट्ट की अर्थ मेरे करीब इसलिए रहेगी कि ये वो फिल्म है जिसकी वजह से औरतों के मुद्दे जो मैंने समाज में उठाना शुरू किया है
उसकी जो नींव है वो अर्थ की वजह से बदल। टीचर्स की बात हो रही है, स्टूडेंट की बात हो रही है, आप किस तरह के स्टूडेंट थे? अच्छी स्टूडेंट थी, अब जो गुड स्टूडेंट, फर्स्ट क्लास स्टूडेंट थी, लेकिन और ड्रामा में बहुत इंटरेस्ट था, लेकिन मैथमेटिक्स बिल्कुल नहीं आता था, उसमें सिफर मुझे था। और हैरत की बात यह है कि इस फिल्म में मुझे मैथमेटिक्स की टीचर बनाना पड़ा, तो बाकी कहीं तो एक्टिंग नहीं करनी पड़ी। एक्टिंग ज़रूर जब मैं थियरम लिखती हूँ क्लास पे और हाइपोटेन्यूज एंगल क्या होता है उसके लिए मुझे ज़रूर मेहनत करनी पड़ी। टीचर के तौर पे आपको लोग याद रखेंगे, आप किस एक टीचर्स को याद रखेंगे जो आपकी आज भी आपकी? प्रोफेसर रोशन तनेजा जो मेरे एक्टिंग के गुरु हैं, सिर्फ वही वाहिद एक इंसान है जिनके पाँव मैं छूती हूँ, क्योंकि मैं सचमुच उनको अपना गुरु मानती हूँ। और मैं समझती हूँ कि आज भी एक्टिंग के बारे में जो मेरी समझ है उसमें तनेजा साहब का बहुत बड़ा हाथ। मैंने क्लास जाते हुए ये आपसे जानना चाहेंगे कि फिल्म में ऐसी कौन सी बात है, खास बात है जो ऑडियंस को बांध के रखेगी, छुपने नहीं देगी? अच्छी कहानी। आप कितनी भी करतब दिखा दीजिए, कितनी भी टेक्निकली ब्रिलियंट कर दीजिए, फाइनली जो ऑडियंस को होल्ड करती है वो है कहानी। और अगर हमको वाकई बहुत अच्छा सिनेमा बनाना है तो टेक्निकली तो उसको बहुत अच्छा होना ही चाहिए, बिकॉज इट्स एन ऑडियो विजुअल, लेकिन कोई चीज़ कॉम्पेंसेट नहीं कर सकती एक अच्छी कहानी।